बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अकोट शहर में एक ही दिन में दो महिलाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 महीने पहले शादी हुई 21 वर्षीय निया परवीन सलीम शाह ने शहर के नवगाजी प्लॉट इलाके में अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह गाजी प्लॉट अकोट निवासी सबा फिरदौस रमजान खान उम्र 18 वर्ष ने उसी इलाके में अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिले में शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर गाज गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वही 3 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मोहाड़ी तहसील के ग्राम नीलज खुर्द तथा ग्राम बोंदरी में शुक्रवार को दोपहर में घटी। अशोक लेलैंड के पिकअप वाहन का क्रमांक स्पष्ट नहीं दिखने पर यातायात पुलिस कर्मचारी ने वाहन को रोका और कार्रवाई करने लगा। ऐसे में वाहन चालक ने कार्रवाई से बचने के लिए मार्ग पर लेटकर नाटक करना शुरू किया। इस प्रकरण में भंडारा पुलिस ने आरोपी वाहन चालक पर धारा 341 186 भादवी के तहत मामला दर्ज किया। चूहे मारने की दवा खाकर खुदकुशी का प्रयास करने वाले युवक की इलाज के पश्चात घर आने के बाद मृत्यु होने की घटना 20 जुलाई को सामने आई है। मृतक का नाम रेंगेपार कोहली निवासी मिथुन भगवान राउत उम्र 35 वर्ष है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया तथा शव विच्छेदन कर शव को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। घरेलू विवाद में युवक ने कड़े से वार कर अपने पिता को घायल कर दिया। घटना लाखनी थाना क्षेत्र के खुर्शी पार की है। रात को भोजन में बाल निकल आने से फिरियादी विष्णु वाघाए उम्र 57 वर्ष ने पत्नी को टोका था, लेकिन उसी बात से गुस्सा होकर आरोपी तोशिश वाघाए उम्र 27 वर्ष ने विष्णु के सिर पर कड़े से वार कर उसे घायल कर दिया। जिला पुलिस की धड़क मुहिम के तहत पुलिस दलों ने अलग अलग थाना क्षेत्र में शराब अड्डों पर छापे मारकर अवैध शराब समेत 6,250 रुपए का माल बरामद किया। इस कार्रवाई में 7 आरोपियों पर मामले दर्ज किए गए। यह धड़क मुहिम मोहाड़ी, करडी, तुमसर, गोबरवाही, पौनी, अडाल, लाखांदूर थाना क्षेत्र में चलाई गई। फसलों को पानी देने के लिए नाली पर लगाए गए 2 मोटर पंप चोरी होने की घटना अकोला खेत परिसर में घटी। आंदलगांव निवासी प्रमोद गोविंद शेंडे उम्र 45 वर्ष ने खेत की फसलों को पानी देने के लिए नाले पर 2 मोटर पंप लगाए थे। अज्ञात चोरों ने वो मोटर पंप चुरा लिए। घटना को लेकर आंदलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।